यहाँ पे देखिए ये 100 Mbps का सिंगल मोड मीडिया कन्वर्टर है। यहाँ पे हमने इनपुट लिया फाइबर को, लेकिन हमें आउटपुट देना है, क्या देना है, इथरनेट पोर्ट देना है। यहाँ पे इथरनेट पोर्ट दे, जैसे ही हम देंगे हमें आउटपुट मिलने लगेगा इथरनेट पोर्ट से। इथरनेट पोर्ट पे आप देखें यहाँ पे बहुत सारे हमारा क्या लगा, फ्यूचर लगा है, तो यहाँ पे राउटर लगा है, इन सब में हम डाटा को इस पोर्ट से ट्रांसफर करके इसमें राउटर में दे देंगे और मल्टीपल हमें डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा एक ऑफिस है, इसमें पूरे ऑफिस में हम डाटा को ट्रांसफर करेंगे इस मीडिया कन्वर्टर की हेल्प से। ये मीडिया कन्वर्टर का प्राइस कोई ज्यादा ज्यादा नहीं होता, आपको 3 to 4 thousand में अच्छा कंपनी का मिल जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए एक टीपी लिंक का है, तो टीपी लिंक का हमें मिल गया था अबाउट 3 thousand में मिल गया था, जो कि काफी अच्छा इसका आपका आपको आउटपुट भी काफी बेहतरीन इसका मिलता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लीज लाइन लगा हुआ है, यहाँ पे 2 Mbps का है, एक BSNL का है, अभी वो फिलहाल चल रहा है, उसको कन्वर्ट करके हम फाइबर में देते हैं। देखिए यहाँ पे फाइबर कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे फाइबर का हमने ज्वाइंट किया है, ये जो आपको ब्लैक में दिख रहा है ये हमारा एक मेन फाइबर है। मेन फाइबर से हमने क्या किया, एक पेयर यहाँ पे देखिए, दो हमने पेयर का यूज किया है, दोनों का यूज करके हमने आउटपुट लेके हमने इस कन्वर्टर में दे दिया है। वो कन्वर्टर से हमें आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट हम पूरे डिवाइस में लगा देंगे, जिससे हमें इंटरनेट काफ़ी बेहतर मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो अगर रिलेटेड टू मीडिया कन्वर्टर तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक दूसरा अभी हमारा फाइबर है, उसको भी हमने ज्वाइंट करके यहाँ पे रखा है। ये सब हमारा इथरनेट केबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।